व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल। आजकल सभी को इंस्टाग्राम पर फेमस होना, सभी को चाहिए ढेर सारे फॉलोअर, ढेर सारे लाइक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे ऑर्गेनिक वेज जिसके यूज से आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है रियल फॉलोअर्स जो है पा सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्स और वेबसाइट के यूज से इन 2021। और चाहे आप यहाँ पर आपका जो पर्सनल अकाउंट हो, आपका आपका एक कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट हो या फिर आपका एक बिजनेस अकाउंट हो, आप इन वेज के यूज से जो काफ़ी ईजी वे में आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो ग्रोथ कर सकते हो, साथ ही में यहाँ पर आप जो है काफ़ी सारे फॉलोअर्स और लाइक्स पा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक चिपक के देखना, क्योंकि आपके जो शुरुआती 1000 फॉलोअर्स रहते हैं, अगर आप इन पांचों वेज का अच्छे से यूज़ कर लोगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, तो आप जो आपके 1000 फॉलोअर्स जो है एक या दो दिन के अंदर ही पा लोगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की ग्रोथ में जो है प्ले करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो टॉप 5 ऑर्गेनिक वेज जिनके यूज़ से आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की ग्रोथ कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। वे नंबर 1 इज मेक योर अकाउंट पब्लिक। बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो है प्राइवेट अकाउंट्स को फॉलो करना पसंद नहीं करते। अगर आप एक गर्ल हो तो एक बात अलग है, लेकिन आपका एक पर्सनल अकाउंट है या फिर आपका एक कंटेंट, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आपका कंटेंट मेकिंग का अकाउंट है, तो आपको आपके अकाउंट को जो है पब्लिक करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बेसिकली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें जाकर के आपको जो आपके अकाउंट को जो पब्लिक कर देना है। और वहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगी अकाउंट के टाइप्स, तो यहाँ पर आपको जो एक नॉर्मल अकाउंट देखने को मिलेगा, एक बिजनेस अकाउंट देखने को मिलेगा और एक प्रोफेशनल अकाउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट पर जो क्लिक कर देना है, अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आपको जो बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देना है, और अगर आपका एक नॉर्मल अकाउंट है तो आपको नॉर्मल अकाउंट पर ही स्विच कर देना है। तो होता क्या है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपको जो है प्रोफेशनल अकाउंट पर अगर आप स्विच करते हो, तो आपको जो है ढेर सारे फीचर्स एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलते हैं एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से। और अगर आप आपके अकाउंट को जो पब्लिक कर देते हो, तो यहाँ पर जो है आपको ढेर सारे फॉलोअर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि मेक श्योर कि आप जो आपका कंटेंट अच्छा बनाओ। तो अगर आप आपके अकाउंट को जो पब्लिक कर दोगे तो आपको काफ़ी सारे फॉलोअर्स देखने को मिल जाएगा और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है रेपिडली ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगी। सो द वे नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी इन अवर कंटेंट। बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग करते क्या है कि अपना कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट तो बना लेते हैं या फिर आपका पर्सनल अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभार ही उन पर जो फोटोज या फिर आप बोल सकते हो कंटेंट को जो अपलोड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको जो है, अगर आपको जो जल्दी से रेपिडली जो ग्रोथ करना है आपके इंस्टाग्राम पर, आपको जो ढेर सारे फॉलोअर्स चाहिए, तो आपको जो है एक या दो दिन के अंदर आपके कंटेंट के ऊपर जो आपको वीडियो या फिर आपको जो बोल सकते हो आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि आप जो है रेगुलरली पोस्ट डालोगे तो इससे क्या होता है कि लोगों से आप ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकोगे, लोग आपके पोस्ट को ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है फॉलो करोगे। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आप जितने भी पोस्ट डालोगे उसमें जो आपको हाई क्वालिटी फोटोज़ का जो यूज़ करना है, जिससे आपकी जो फोटोज़ है काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी अच्छी देखने को मिले। इससे क्या होता है कि सामने वाले जो पर्सन रहता है या फिर आप बोल सकते हो सामने वाला जो भी बंदा है उसके ऊपर जो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आपका पर्सनल अकाउंट हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। लाइक आप मान लो कि आपका एक नॉर्मल अकाउंट है, यहाँ पर आप जो है फोटोज़ अपलोड करते हो 2 से 3 दिन में एक बार या दो बार आप जो यहाँ पर जो है फोटोज़ अपलोड करते हो, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से जो आपको फॉलोवर मिलेंगे और इसकी जो गारंटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप वहीं पर आपके कंटेंट या फिर आपकी जो पोस्ट है एक या दो महीने में एक बार डालोगे, तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी और जो लोगों के प्रति आपका जो इंटरेक्शन है वो आपको कम देखने को मिलेगा, जिससे आपके फॉलोवर्स भी जो है कम बढ़ेंगे। और ऐसा मैंने खुद भी मेरे साथ जो है देखने को मिला है। मैं पहले क्या करता था कि रेगुलरली अपलोड करता था, जिससे मेरे जो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते थे, एकदम से रेपिडली बढ़ते थे। लेकिन अभी जो मैंने पोस्ट करना कम कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि मेरे फॉलोअर्स थोड़े कम हो गए और जो इंटरेक्शन था पब्लिक के साथ वो भी थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी आपके कंटेंट के ऊपर। आपको जो है हार नहीं माननी कि आपने एक दो बार अपलोड किया उसके बाद अपलोड करना ही बंद कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना। और आपको जो है हाई क्वालिटी फोटोज यहाँ पर जो अपलोड करनी है आपको इसके अंदर, जिससे कि लोगों को काफ़ी बढ़िया अच्छा आपको जो है आपका जो है कंटेंट लगे, आपकी जो फोटोज लगे। तो ये था हमारा वे नंबर 2। वे नंबर 3 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वे है, जो कि आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ में जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, जो कि मेक रील्स ऑन योर कंटेंट। बेसिकली यहाँ पर आपको जो आपका आपका जिस भी प्रकार का कंटेंट है, यहाँ पर आपको जो है रील्स बनानी है, लेकिन आपको क्रिंजी टाइप की रील्स नहीं बनानी है, आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स बनानी है, जिससे कि आपका कंटेंट जो है ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचे, ज़्यादा लोग आपके साथ जो इंटरेक्शन करे। यहाँ पर आपको आपके आपके कंटेंट के बारे में लोगों को बताना है, इसके लिए आपको रील्स बनानी पड़ेगी। और आजकल जो है रील्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं मेरे अकाउंट का ही जो है एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने
दो हफ्ते पहले एक रील जो अपलोड करी थी और उसके अंदर 2 घंटे के अंदर ही मैंने जिस टॉपिक पर जो है रील बनाई थी उसमें 2 घंटे के अंदर ही 1000 से ऊपर व्यू यहाँ पर देखने को मिल गए थे और काफ़ी सारे फॉलोअर्स और लाइक्स भी उसमें जो है मुझे देखने को मिले थे। तो यस, यहाँ पर रील जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ के अंदर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि रील एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो देखना पसंद करते हैं। यहाँ पर होता है कि क्या है कि 30 सेकेंड की रील्स रहती है और आपका जो कंटेंट जो है काफ़ी अच्छे से जो है लोगों तक पहुँचा सकते हो, लोग आप के प्रति जो इंटरेक्शन जो है बना सकते हैं और यहाँ पर रील जो है एक जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इसके अंदर। तो आपको रील्स बनानी है आपके कंटेंट के ऊपर जिस टाइप की भी बनाओ, लेकिन क्रिंजिड नहीं बनानी है, आपको जो इन्फॉर्मेटिव रील्स बनानी है आपके कंटेंट के ऊपर ताकि लोग जो है आपसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, आपसे आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ सके और आपको इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से हाई क्वालिटी फोटोस या फिर आप बोल सकते हो हाई क्वालिटी रील्स बनानी है जिससे कि आपका जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्पी देखने को मिल जाए। वे नंबर 4 इज मेंटेन अ थीम अबाउट योर कंटेंट एंड मेक यूनिक कंटेंट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो टाइटल से पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपको जो यूनिक टाइप का जो कंटेंट है यहाँ पर आपको जो बनाना है, यहाँ पर आप जो भी इंस्टाग्राम पर कंटेंट बना रहे हो, आपकी फोटोज़ बना रहे हो या फिर आप जो आपका कंटेंट जो है अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो एक थोड़ी बहुत जो यूनिकनेस यहाँ पर आपको रखनी है और यहाँ पर आपको एक मेंटेन करनी है, आपको थीम मेंटेन करनी है कि आप जिस भी टाइप का कंटेंट बना रहे हो तो आपका जो पूरा पेज होने वाला है, आपका जो पूरा अकाउंट होने वाला है उसी कंटेंट के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक फ़ोटो डाल दी उसके बाद आप जो है फैशन स्टाइल का डाल दे रहे हो, उसके बाद आप जो है मोबाइल का कोड डाल दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो एक मेंटेन करनी पड़ेगी थीम ताकि लोग जो है आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके, तो लोगों को पता चल सकेगा कि हाँ भाई ये बंदे का जो पेज है वो इस चीज़ से रिलेटेड है। लाइक आप यहाँ पर जो फैशन का करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल और फैशन से रिलेटेड ही सारा कंटेंट आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आपको जो यूनिकनेस करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत यूनिक वाला जो कंटेंट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट डालना पड़ेगा जिससे लोग जो है आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके और आपको यहाँ पर ज़्यादा फॉलोअर्स मिल सके। तो आप अगर आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले कर सकता है और अगर आप एक पर्सनल अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर इसकी जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप एक मेंटेन थीम करके रखते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पर जो है बहुत जल्दी ग्रोथ हो। तो ये हमारा वे नंबर 4 था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वे नंबर 5 की तरफ चलते हैं और इस वे के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पहले से पता होगा और ये नॉर्मल सा फीचर है इंस्टाग्राम का जो कि आपको देखने को मिल जाता है इंस्टाग्राम के अंदर ही, जो कि है टैग पीपल्स एंड यूज हैशटैग्स। और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल ये जो प्ले करते हैं हैशटैग्स और जो टैग पीपल करने वाला रहता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टैग पीपल की तरफ चलने वाला हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जिस भी टाइप का कंटेंट बनाते हो या फिर आप जो स्टोरी बनाते हो तो यहाँ पर आपको लोगों को टैग करना चाहिए जो कि आपके इंपॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो फेवरेट पर्सन है, उनको टैग करना चाहिए चाहे आप उनको फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप टैग करते हो तो उनके पास जरूर से नोटिफिकेशन जाएगा जिसके उससे आपको लाइक और फॉलोअर्स देखने को जरूर से मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर आपको जो है कभी कभी देखने को मिलता है कि कभी कभी कोई लोग आते हैं आपकी 2-3 फोटोज़ को लाइक करते हैं और एकदम से चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पर टैग पीपल का एकदम ईजिली काम ये करना है कि आप कभी भी स्टोरी बना रहे हो या फिर आपका जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो उस बंदे को आप उस पोस्ट के अंदर जो है टैग कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि वो बंदा आपकी फोटोज़ को वापस से आकर जो लाइक करेगा जिससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी देखने को मिलेंगे। और दूसरा हैशटैग यूज़ करना, तो यहाँ पर आपको जो है हैशटैग का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंस्टाग्राम के अंदर ही। तो यहाँ पर आप जो यूनिक टाइप के हैशटैग जो कि आपके कंटेंट से रिलेटेड हो उसको यूज़ करके जो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉलोअर गेन कर सकते हो और ये जो है टेस्टेड वे है और मैंने इसको खुद भी यूज़ किया है जिससे मैंने देखा है कि यहाँ पर अगर आप हैशटैग यूज़ करते हो और पीपल्स को टैग करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं और मैंने इसको टोटली टेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ यहाँ पर आपको काफ़ी इजीली देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा मैं वे बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बोनस टिप है, जो यहाँ पर आपको स्टोरी आप बनाते हो तो आपको जो स्टोरी जो है यूनिक वे में बनानी है, ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल बना दो, आपको जो भी है थोड़ा बहुत अलग सा जो यूनिकनेस करनी है आपकी स्टोरी के अंदर, आपको लोगों को टैग करना है, लोगों को टैग करना है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है हैशटैग का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको स्टोरी भी आपको काफ़ी अच्छी से डालनी है। इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ, साथ ही में हैशटैग्स किस तरीके से यूज़ करना है
उसका भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आप जो है हैशटैग्स का यूज़ कर सकते हो ताकि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन हो सके। तो ये थे हमारे टॉप 5 वेज जिसके यूज़ से आप ऑर्गेनिकली आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम ग्रोथ कर सकते हो, लाइक्स और फॉलोअर्स जो है पा सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्स और वेबसाइट्स के। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।